गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे इज डे 12 एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बोथ ऑफ लेसन, लेसन नंबर 13 व्हेन आई ग्रो अप एंड लेसन नंबर 14 वंस अपॉन अ टाइम। वी लर्न आवर प्रीवियस लेसन, लेसन नंबर 11 वेदर एंड लेसन नंबर 12 ग्रुप्स नेम्स। सो लेसन नंबर 13 When I grow up, what is the mean by of this sentence? When means जब, I means मैं, grow मतलब कोई एक बड़ो जिस बढ़ना, grow up किसी चीज में बढ़ना। जैसे for example आपने देखा होगा, आपने जैसे plant लगाया, okay plant लगाया, plants जैसे आपने लगाया rose का tree लगाया आपने, तो रोज के ट्री के लिए आपको सब क्या किस चीज़ की जरूरत है? उसके लिए आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी, सीड की जरूरत पड़ेगी, देन आपको सॉइल की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, ओके खाद, खाद जिसको हम बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, तब जाके उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। ओके यहाँ पर वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में दिया है कि जो जिसको हम बोलेंगे कि जब जो उनकी जो मदर होती है, जब जब बच्चे को वो अपने वो क्या करती है, जब उनका बोन होता है बेबी जिसको हम बोलेंगे यंग वन, तो उनका एक नेम अलग होता है। जैसे जो हमें गर्ल बॉय, ओके गर्ल और बॉय दोनों सेम नहीं है, उनका वॉइस क्वालिटी आपको डिफरेंट मिलेगा, बॉडी लैंग्वेज आपको डिफरेंट मिलेगा, ओके सो बहुत सारी इनमें सिमिलरिटी होती है बॉय और गर्ल में, बट बहुत सारे ऐसी चीज होती है जो उनमें सिमिलरिटी नहीं होती है। वैसे ही जो एनिमल्स है उनमें भी वही है और उनका भी एक पर्टिकुलर एक नेम होता है, तो आज वही लर्न करने वाली। उसके बाद लेसन नंबर 14 में वॉज अपॉन ए टाइम, इसमें एक सिंड्रेला की स्टोरी है, वो आपको अगर मैं ओरली बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या है, आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखना है। यहाँ पर मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है नंबर्स आपको रेंडमली दिया है उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है वो आप देखेंगे ना तो आपको और बेटर अंडरस्टैंड होगा, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 एंड लेसन नंबर 13 व्हेन आई ग्रो अप, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया यंग वन, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ह्यूमन लोग जो होते उन लोगों की भी फैमिली होती है, सो हम लोग जो है गर्ल और बॉय उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते, पहचान लेते उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, देन उनका जो वॉइस क्वालिटी है, ओके उससे हम जो है इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि शी इज़ अ गर्ल ही इज़ अ बॉय। वैसे ही जो आज हम लर्न करने वाले, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल। इसमें क्या है, जो वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल, इसमें हर जो जो एनिमल्स होती है उनकी भी एक फैमिली होती है, ओके एंड जैसे मम्मी, देन उन जैसे जो मदर होती है, माँ होती है, उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको बोला जाता है बच्चों को यंग वन, बेबी जिसको हम बोलते हैं। सो वैसे ही यहाँ पर जो हमारा लेसन वो उसी के ऊपर बेस है। देखेंगे यहाँ पर अ चाइल्ड ग्रोज अप टू बी एन एडल्ट, लेट अस नाउ मोर अबाउट द बेबी ऑफ एन एनिमल एज इट ग्रोज अप मैच द कॉलम वन हैज बी डन फॉर यू। अभी यहाँ पर आपको जो है जो कॉलम को मैच करना है, अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, मैच ना करते हुए हम उसको और ईजी करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो नंबर्स राइट डाउन करेंगे, ओके यहाँ पे उल्टा दिया है स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखेंगे यंग वन के नेम्स दिया है और यहाँ पर उनके मदर के नेम दिया है, समझ में आ रहा आपको? देखेंगे जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम अ किड आई विल ग्रो इन टू अ डैड डैश, यहाँ पर वो कौन सी यहाँ पर देखेंगे आप, आपकी जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है वो एक गोट दिया है ना, वन हैज बी डन फॉर यू। सो गोट देखेंगे, गोट जो है इसका जो बेबी है जिसको बोला जाता है किड, यंग वन क्या है किड है, और
ये कौन है? उसकी मदर, गुड। अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और है कि इन लोगों का जो फेस वगैरह होता है आपको सेम देखिएगा, बट इनकी जो हाइट होती है, जैसे जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, और घर के जो बड़े लोग होते हैं, तो उनमें आपको इजीली आप उनको समझ लेते हो कि ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी हम जो है उनको इजीली पहचान लेते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे गोट, गोट जो है उसका जो बेबी है जिसको बोला जाता है किड, आई एम अ किड, आई विल ग्रो इन टू अ, क्या आएगा उसका आंसर यहाँ पर देखेंगे। नंबर्स राइट डाउन किया है मैंने, तो आपको नंबर राइट डाउन करना है, तो है गोट, कंफ्यूज नहीं होना है। देन उसके बाद आता है आई एम अ लैम, आई विल ग्रो इन टू अ डैट डैश, तो यहाँ पर आएगा शीप। शीप का जो बेबी होता है या यंग वन है जिसको हम बोलते हैं लैम, आ रहा समझ में? देन उसके बाद आता है स्टूडेंट्स थ्री, आई एम अ कोल्ड, आई विल ग्रो इन टू अ डैट डैश, यहाँ पर देखेंगे वो है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स जो है वो उसका जो बेबी है जिसको बोला जाता है कोल्ड। देन उसके बाद आता है फोर्थ, आई एम अ सिग्नेट, आई विल ग्रो इन टू अ डैट डैश, वो आएगा स्वैन। दिख रहा है यहाँ पे विद पिक्चर्स आपको दिया गया है, नेम और उसका पिक्चर्स भी दिया है आपको, कौन सा बर्ड है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा एनिमल है, ओके, वहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में लर्न कर लिया है। देन उनके फूड के बारे में लर्न कर लिया है, शेल्टर के बारे में लर्न कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके यंग वन बेबीज़ के बारे में हम लर्न कर रहे हैं, आ रहा समझ में? देन उसके बाद आता है फिफ्थ, आता है आई एम अ टर्टल, आई विल ग्रो इन टू अ डैट डैश, उसका आएगा फ्रॉग, दिख रहा है आपको? देन स्टूडेंट्स उसके बाद आता है सिक्स, आई एम अ कैटरपिलर, आई विल ग्रो इन टू अ डैट डैश, उसका क्या आएगा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो बेबी होता है जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। देन उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आई एम अ काव, आई विल ग्रो इन टू अ डैट डैश, उसका आएगा काउ, दिख रहा है? काउ, काउ का जो बेबी होता है, यंग वन होता है, जिसको हम बोलते हैं काफ। देन स्टूडेंट्स लास्ट इज आई एम अ डकलिंग, आई विल ग्रो इन टू अ डैट डैश, डक, डकलिंग, ये हमने लास्ट ईयर, और हमने लास्ट ईयर इसके बारे में भी लर्न किया है, ओके। ये यहाँ पर उसको रिपीट किया गया है, बट थोड़ा सा अलग वे के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जो कि मैं आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि लास्ट ईयर जो से जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड था उसके अंदर भी इस चीज़ को बताया गया था, मेंशन किया गया था। तो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न यंग वंस, जो हमने जो बेबी होते मदर है उनके जो यंग वन होते बच्चे होते उनको अलग अलग नेम्स दिया गए, ओके। और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन होती है कि जैसे उनका जो फेस है, बॉडी लैंग्वेज है, वो सेम होता है, कलर भी आपको वैसे ही देखने मिलेगा। जैसे शीप है तो उसका जो यंग वन है तो लैम, उसका भी आपको सेम जो उनका जो कलर होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहा तो रहा, बाकी का आपको सिमिलर ही देखने मिलेगा यहाँ पे, आ रहा समझ में? उसके बाद आता है लेसन नंबर जो है हमारा 14 है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो से आपको बहुत मतलब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं अगर आपको ओरली एक्सप्लेन भी करूँगा तब भी आपको इतना आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं आऊँगा। यहाँ पर क्या है लेसन नंबर 14, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब यहाँ पर जो है एक स्टोरी है सिंड्रेला की, ओके। तो उस सिंड्रेला के लाइफ के बारे में बताया गया है कि उसमें मतलब वो सिंड्रेला जो थी वो उसकी जो मदर थी, तो जब वो उसकी डेथ हो जाती है, मैं यहाँ पे आपको जो एक ओरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके ऊपर जो वीडियो बताए हैं उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो सिंड्रेला एक्चुअल में जो एक थी वो उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई। यहाँ पर क्या है सिंड्रेला जो है, यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले तो एक काम करो आप, यहाँ पर आपको जो है ना देखो क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ,
द पिक्चर ऑफ द फेरी टेल सिंड्रेला आर गिवन बिलो बट दे आर नॉट इन ऑर्डर राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड एंजॉय द स्टोरी। अभी देखेंगे यहाँ पर जो है आपको जो पिक्चर्स दिया वो रेंडमली दिया है, मीन्स ऊपर नीचे दिया है, इसको आपको सिक्वेंस में लगाना है। मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको इसको कट करके इधर उधर नहीं लगाना है, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको नंबर्स राइट डाउन करना है। जैसे अभी आपके सामने देखेंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ, ये भी आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये जब आप पूरी स्टोरी देखेंगे या वो पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये मतलब उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कैसे उसके अंदर उसकी लाइफ में चेंजिंग आई, क्या क्या उसके अंदर जो उसने कैसा स्ट्रगल किया, क्या किया, वो पूरा वीडियो में बताया है। उसमें क्या है कि उसकी जो जो मदर होती है, जब उस वो जब तक उसकी मदर जिंदा थी तो कुछ नहीं था, मतलब सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा चल रहा था। जैसे उसकी मदर की डेथ होती है तो जो उसका फादर होता है सिंड्रेला का, तो सिंड्रेला वो उस टाइम में छोटी होती है, तो उसकी मम्मी की उसको बहुत याद आती थी। वो बार बार क्या करती थी, वहाँ पर जाती थी उसकी मम्मी के पास, जहाँ पर वो दफनाया गया था, कब्र पे जाती थी और बार बार वहाँ जाके रोती थी। तो उसके फादर जो थे तो उन्होंने क्या किया कि जो दूसरी औरत से जो है उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, जिसको सौतेली माज बोलेंगे हम। और उसके जो दूसरी जो उसकी जो मदर थी उसको ऑलरेडी दो लड़कियां थी, ओके। देन तो उसकी जो दूसरी माँ थी ना वो सिंड्रेला से नफरत करती थी, मतलब वो उसको वैसा रिस्पेक्ट नहीं देती थी। सो यहाँ पर क्या होता है कि फिर एक दिन क्या होता है कि जो वहाँ का किंग होता है, राजा होता है, तो वो अपने वजीर को कहता है कि तुम जाके एक मैसेज दे दो कि जितनी भी कुंवारी लड़की है, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, उन सबको आज शाम जो है मेरे दरबार में आना है, वहाँ पर सबको दावत है, और जो जो खूबसूरत लगेंगी मेरे को मैं उससे शादी कर लूँगा। तो ये क्या करती है, सिंड्रेला को नहीं जाने देती है, और उसकी जो दोनों लड़कियाँ होती है वो उसको अच्छी से मतलब पूरा रेडी करके वो लोग को उसको भेज देती है। तो ये सिंड्रेला रोते रहती है, रोने तो फिर वहाँ पर जो है एक एंजल आती है, परी आती है, तो वो पूछती है आप क्यों रो रही है, तो बोलते थे मेरे को भी जाना था, बट जो है मेरी जो मदर है वो मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है। तो वो बोलती है ठीक है, बोले मैं तेरे को ऐसा बना दूंगी कि वो तेरे को कोई नहीं पहचानेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर वो उसको ये भी बोलती है कि तेरे को रात को 12 से पहले घर रिटर्न आना है, क्योंकि ये जो जो मैं मैजिक करने वाली हूँ, जादू करने वाली हूँ, सिर्फ रात को 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सोले ठीक है, फिर वो लोग वो क्या करती है, फिर वो एकदम अपना पूरा पूरा चेंज कर देती है। वो उसके बाद जो है वहाँ पर जाती है दरबार, वहाँ पर जो उसका जो महल होता है राजा का, वहाँ पर जाती है। फिर वहाँ जाने के बाद जो है फिर वो राजा के साथ डांस वगैरह करती है, वो करती, मतलब राजा को वो पसंद आ जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है, जब उस टाइम की तरफ देखती है तो वहाँ पर सिर्फ 10 मिनट बाकी रहती है उसका मैजिक जो है ख़त्म होने के लिए। फिर वो घबरा जाती है, तो वो डांस करते करते बीच में से वो रिटर्न जाने लगती है घर। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो एक सैंडल होती है, ओके, तो वो वहाँ पर छुड़ जाती है, गिर जाती है, और राजा उसको वो किंग जो है उसको वो उठा लेता है। और वहाँ उठाने के बाद क्या होता है,